हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन वीडियोस के आ सके। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज है 2nd of May और हम बात करने वाले यस बैंक के बारे में। तो देखिएगा, यस बैंक में जब से गिरावट आई है उसके बाद से देखिएगा कहीं ना कहीं बॉटम फिनिशिंग हुई है या नहीं हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन देखिएगा कहीं ना कहीं एक तेजी देखने के लिए तो हमें मिल रही है और कहीं ना कहीं हम लगातार ऊपर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज भी तकरीबन 3.5% से ज्यादा की तेजी आपको देखने के लिए मिलेगी। वही बात करें तो देखिए, जो इसका प्रीवियस क्लोज था जो कि 168 के लगभग था, वो देखिएगा ये टूटा और देखिएगा ओपनिंग ही हमारी 162 के लगभग हुई। तो देखिए कहीं ना कहीं जो डिप मिली उसमें देखिएगा जो बाइंग हुई है उसके बाद जो इसने हाई लगाया है वो देखने वाला है। देखिएगा प्रीवियस क्लोज से जो ओपनिंग थी वो तकरीबन देखिएगा नीचे 6 रुपए थी, उसके बाद देखिएगा 6 रुपए डाउन खुलने के बाद जो इसने हाई लगाया 178 का वो देखिएगा तकरीबन 16 रुपए आपको ये ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद देखिए जो लो था हमारा 160 के लगभग, यानी कि ओपन होने के बाद भी जो लो लगाया था हमने वो नीचे था डाउन 2 रुपए के लगभग। उसके बाद जो हमारी क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग हमारी 173.75 के लगभग थी। अब देखिएगा ये अपनी ओपनिंग से जो इसने क्लोजिंग दिखाई है वो देखिएगा तकरीबन 11.75 रुपए के लगभग आपको ऊपर दिखाई देंगे हम आज के दिन में। वही बात करें तो देखिए तकरीबन 2000 के लगभग देखिएगा बाइंग क्वांटिटीज इसमें लगी हुई है। वही देखिएगा जो क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है वो देखिएगा 12,41,00,000 के लगभग, यानी कि ट्रेडर्स के तो अब वही है बिल्कुल, ट्रेडर्स ने तो एकदम अपना इस पे निशाना साध लिया है कि भाई यहाँ पे ट्रेडिंग करना सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल इनके लिए आज की डेट में है। देखिए दूसरी चीज देखिएगा जो डिलीवरी क्वांटिटीज है वो तकरीबन अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3 करोड़ के लगभग मिलेगी, जो कि 2,97,00,000 के लगभग आपको दिखाई पड़ेगी। तो 23.98% के लगभग इसमें डिलीवरी परसेंटेज है। आगे बात करते हैं तो देखिएगा इसका जो फ्यूचर्स की क्लोजिंग है वो देखिए काफी अच्छी खासी है, यानी कि कल की डेट में कहीं ना कहीं ये ठीक ठाक खुलना चाहिए। तो देखिए बेसिस पॉजिटिव है। उसके बाद देखिएगा आज हमारा फ्यूचर्स मार्केट बढ़ा है, वही देखिएगा हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, यानी कि इसमें आज फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट हुए हैं। आगे बात करते हैं तो देखिएगा टेक्निकल चार्ट्स पर अगर जाएं और पिवोट लाइन पे जाके बात करें तो देखिएगा ये देखिए अपनी पिवोट लाइन यानी कि 181.97 से देखिएगा नीचे है 15 मिनट में, और देखिए ऊपर जाने के बाद यानी कि एक हालांकि का कहीं ना कहीं देखिए इसी जोन में रहा और देखिए नीचे नहीं गया। तो देखिए तकरीबन इसका मतलब आप समझ के चलिएगा जब कल गैप अप ओपनिंग होगी तो कम से कम हमें पिवोट लाइन के ऊपर तो जाना ही चाहिए और उसके ऊपर भी कल स्टे करना चाहिए। वही देखिए नीचे जो सपोर्ट ये दिखा रहा है टेक्निकली वो देखिएगा 15 मिनट की कैंडल्स पे तो 150.43 के लगभग ये आपको दिखाई देगा। आगे बात करते हैं कि इसमें बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ कि नहीं, तो देखिएगा 1 आवरली मैंने चार्ट लगा रखा है। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टिंग समझते होंगे तो देखिएगा ये मैंने जो लगा रखे है सिंपल मूविंग एवरेज वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिएगा ये 5 मूविंग एवरेज की लाइन है, देखिएगा ये 10 मूविंग एवरेज की लाइन है और देखिएगा ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। अब देखिएगा जब भी कम मूविंग एवरेज की लाइन ज्यादा मूविंग एवरेज की लाइन को देखिएगा नीचे से कट करती है इस तरीके से, तो देखिए बाइंग जनरेट होती है, लेकिन देखिएगा इसकी कंफर्मेशन तब तक नहीं होती जब तक ये दोनों लाइनों को ना काट दे, यानी कि ये 10 वाली जो मूविंग एवरेज की लाइन है और ये 20 वाली भी, तब तक हमारी बाइंग कंफर्मेशन नहीं होती। तो देखिए अभी इसने इसको काटा तो है लेकिन देखिएगा अभी हमें कंफर्मेशन नहीं क्योंकि 220 मूविंग एवरेज की लाइन को अभी इसने नहीं काटा। दूसरी चीज देखिएगा हो सकता है कि कहीं ये आगे द्वार से नीचे की तरफ ना चली जाए और क्रॉस ओवर ना कर दे, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिलहाल तो जनरेट नहीं हुआ। आगे बात करेंगे देखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे 120 के लगभग एक लो इसने लगाया था 2015 के लगभग, उसके बाद से देखिएगा एक लो हमने ये लगाया था 147 के लगभग जो हमने हाल फिलहाल ही पीछे बनाया था। तो देखिए इसको हम ज्वाइन करते हैं तो देखिए यहाँ पे चूंकि हमने गिरावट दिखा दी है, देखिए जब तक ये ट्रेंड लाइन सेफ है तो हम बहुत नीचे तक नहीं जाने वाले। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है कभी भी और यहीं पर नहीं, अगर देखिएगा ये आगे भी कभी टूटती है तो आप मान के चलिएगा एक इसमें आपको काफी बड़ी एक गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। ये जो ट्रेंड लाइन है देखिएगा ये कभी भी आगे तोड़ेगा तो देखिए बढ़िया वाली हमें एक कभी ना कभी गिरावट देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक चीज थी
आगे बात करते हैं देखिएगा इसकी ऑप्शन चेन के बारे में। अब ऑप्शन चेन पर अगर हम देखें तो एट द मनी 170 और 180 के बीच में यहाँ पर है। वहीं देखिएगा जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो देखिए 170 पे 542,500 के लगभग आपको कॉल की अनवाइंडिंग मिलेगी, जहां पर देखिएगा 21,19,250 के लगभग देखिएगा आपको टोटल कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। उसको कंपेयर करें अगर हम जाके पुट्स में तो देखिएगा 3,20,250 के लगभग आपको पुट राइटिंग मिलेगी। तो देखिए पुट राइटिंग भी देखिए पुट की अनवाइंडिंग मिलेगी। तो देखिए कंपेयर अगर करते हैं तो देखिएगा हमारी यहाँ पे 170 पे कॉल की देखिएगा ज्यादा अनवाइंडिंग हो रही है कंपेयर टू पुट की अनवाइंडिंग से। वही बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 20,51,000 के लगभग हमारा यहाँ देखिएगा एक टोटल कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। जिसको कंपेयर करें अगर 170 से तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी रेजिस्टेंस मौजूद है 170 पर। वही 180 की बात करें तो देखिएगा 180 पर जो चीज दिखाई देती है यहाँ पर भी देखिएगा कॉल की अनवाइंडिंग है 43,000 की, उसके आगे जो रेजिस्टेंस है वो 45 लाख का है। तो एक बढ़िया वाला रेजिस्टेंस है जिसके सामने देखिएगा 82,000 की हमारी पुट की अनवाइंडिंग है। उसके सामने देखिएगा हमारा जो 14,38,000 के लगभग एक हमारी देखिएगा टोटल कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट है जो देखिए कहीं भी नहीं ठहरता है 180 के रेजिस्टेंस के सामने। तो देखिए ये चीज है रेजिस्टेंस काफी डेवलप है और अभी बाइंग के सिग्नल अभी तक जनरेट नहीं हुए हैं। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो देखिए बिल्कुल मत करिएगा। और रही बात देखिए होल्ड करने की तो मैं पॉसिबिली जहां तक है ये 200 पर टच कर सकता है, जैसे पहले ये 200 पर रेजिस्टेंस बना रहा था उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस बनाएगा। आप पैनिक होके देखिए बेचने के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो प्लीज इसको होल्ड करिएगा। और अगर आप थोड़ा ऊपर बेचना चाहें तो तब बेच सकते हैं 200 के लगभग, और वहां भी ना बेचना चाहे तो आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अभी जैसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये नीचे चला जाएगा और लगभग वहीं पे घूमेगा, क्योंकि ये जो हमारी जो एक्सरसाइज शुरू करी है रवनीत गिल जी ने ये क्लीन अप करने का जो सिस्टम है, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल्स अच्छे ही होते हैं तभी कंपनी भागती है, उसके बिना भी भागने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। बेकार से बेकार फंडामेंटल की कंपनियां बहुत दौड़ती हैं। हालांकि इसके साथ तो ऐसी प्रॉब्लम जो बनी है वो भी हमारे इन फ्रंट है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, ऐसा हिडन कुछ नहीं बचा है, लगभग हर चीज हम देख चुके हैं जान चुके हैं। तो पैनिक होके बेचने का कोई फायदा अब है नहीं, क्योंकि जो बेचने का दिन था वो निकल चुका है, ये तो आप खुद भी समझ सकते होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसका भी जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।